डीयू के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। उनकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। आपको बता दें कि 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स पर वो अड़े हुए थे, बिल्कुल भी उससे हटने को तैयार नहीं थे। यूजीसी की ओर से इस बारे में निर्देश भी दिए गए, बावजूद इसके वो मानने को तैयार नहीं थे। और फाइनली पहले से माना जा रहा था कि एक बड़ा निर्णय दिनेश सिंह की ओर से किया जा सकता है, और वही किया। डीयू के वाइस चांसलर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अब बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आगे होगा क्या। डीयू के वाइस चांसलर के इस्तीफे के बाद जो बीच का फॉर्मूला निकालने की कोशिश की जा रही थी ताकि छात्रों का एडमिशन जल्द से जल्द शुरू हो सके, क्या अब उस पर विराम लग जाएगा या फिर सरकार इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करके कोई नया रास्ता निकालने की कोशिश करेगी। सीधे रुख करेंगे हम दिल्ली यूनिवर्सिटी का ही, जहां से राशिद हाशमी इस वक्त हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, उनके साथ तमाम स्टूडेंट भी हैं। राशिद, डीयू के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया है, अब आगे क्या? डीयू के वाइस चांसलर ने इस्तीफा दे दिया, अब आगे क्या, कितने ऑप्शंस हैं, कितने तरह के विचार हैं, ये हम आपको बताएंगे। लेकिन ये देखिए कितनी तस्वीरें सामने आ रही, पहले आयशा को देखिए। हम लोग हमारा अरे भाग गया भाई, भाग गया, को हमने भगा दिया। डीयू के वीसी को आपने भगाया या स्मृति ईरानी के ऊपर दबाव पड़ा, उन्होंने भगा दिया? दरअसल आप देख लीजिए कि पिछले साल भर से जो एक आंदोलन दिल्ली यूनिवर्सिटी में वीसी की तानाशाही के खिलाफ चला है, एक लीगल कोर्स लाने के खिलाफ चला है, उस आंदोलन के दबाव के चलते उन्होंने रिजाइन दिया है। स्मृति ईरानी ने उनको नहीं हटाया, ये उस दबाव आंदोलन के दबाव के चलते उन्होंने रिजाइन किया है, जो हमारे आंदोलन की बड़ी। लेकिन आंदोलन पिछले 1.5 साल से हो रहा था, पर 1.5 साल से हो रहा था, पर इस तानाशाह वीसी को हराने के लिए दान आंदोलन क्या पता हमें 1 साल और चलाना पड़ता, पर हमारे 1.5 साल के आंदोलन में इतनी ताकत थी कि वो 1.5 साल के बाद जब, पर हमारी कभी भी डिमांड ये है कि दिनेश सिंह ने रिजाइन कर दिया, पर इमीडिएटली अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एडमिशन शुरू हो, पर जो इंक्वायरी की मांग हम लोग कर रहे थे। ये देखिए, ये आयशा का स्टैंड था जो अभी आपने सुना। इनका ये कहना है कि डीयू के जो वीसी है वो भाग गए। एबीवीपी का यहाँ जश्न चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ आप एनएसयूआई के भी तमाम कार्यकर्ता हैं, एबीवीपी के लोग भी हैं। एबीवीपी अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों से बात हो रही थी, आप लोगों में से किसी ने आवाज ये उठाई, स्मृति ईरानी ने भगा दिया। स्मृति ईरानी ने नहीं, बेसिकली मैं ये नहीं हूँ स्मृति ईरानी ने भगाया, ये पूरा संगठन हमारा एबीवीपी का लगा रहा, इस पूरे साल हमने इसीलिए काम करा है, इसके विरुद्ध हम पूरे साल लगे रहे हैं। पिछले साल जब एनएसयूआई के टाइम पर ये लॉन्च हुई थी तब कांग्रेसियों ने इसके विरोध में कुछ नहीं करा, आज ये लॉन्च हो रही है, आज ये हट गई है, तो आज सब गाइड लेना चाह रहे हैं। जश्न इसी तरह हर तरफ मनाया जा रहा है, आतिशबाजियां भी की गई है जिसकी तस्वीरें अभी थोड़ी देर पहले अपने दर्शकों को दिखाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, डीयू के वाइस चांसलर के जाने के बाद अब सबसे बड़ा सवाल ये, छात्रों के भविष्य का क्या, एफआईयूपी प्रोग्राम का क्या? सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी इमीडिएट जो इस साल के एडमिशन होने थे एडमिशन ले, और यूजीसी की जो रिकमेंडेशन थी इलीगल एफआईयूपी को हटाया जाए और 3 ईयर एनुअल सिस्टम लेके आया जाए तुरंत। स्मृति ईरानी एक काम करें, यूजीसी की बैठक हो और 3 साल का कोर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर। देखिए एबीवीपी का जश्न हम आपको दिखा रहे हैं। बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ था, बच्चों का भविष्य अधर में लटका हुआ था, दिनेश सिंह के इस्तीफे के बाद क्या उनका भविष्य बेहतर होगा? बिल्कुल बेहतर होगा, जो एबीवीपी की पिछले 1.5 साल से मांग थी कि एफआईयूपी वापस हो, दिनेश सिंह अपना इस्तीफा दे, आज वो हमारी सारे मांगें पूरी हुई है। आप ये जश्न का माहौल देख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता कितने खुश है इस जो दिनेश सिंह तानाशाह ऑटोक्रेटिक वीसी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है और ये 4 वर्ष से पार्टी वीसी दिनेश सिंह अपना इस्तीफा दे, आज वो हमारी सारे मांगें पूरी हुई है। आप ये जश्न का माहौल देख रहे हैं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के सारे कार्यकर्ता कितने खुश है इस जो दिनेश सिंह तानाशाह ऑटोक्रेटिक वीसी ने अपना रेजिग्नेशन दिया है और ये 4 वर्ष से पार्टी वीसी ने रेजिग्नेशन दिया है, उन्हें रेजिग्नेशन मजबूरी में दिलाया गया? देखिए वीसी ने रेजिग्नेशन दिया है, उन्होंने छात्रों से डर के, छात्र संगठनों से डर के, जो उनके काले कारनामे थे वो खुलकर सामने आ चुके हैं। और अब उसे यहाँ पर और भी एबीवीपी के लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं।
डीयू के वीसी के रेजिग्नेशन का मतलब क्या, इस बात की गारंटी है कि चार साल का एफआईयूपी प्रोग्राम चला जाएगा, गारंटी है ये? बिल्कुल ये गारंटी है, एफआईयूपी जाएगा, यूजीसी का जो रेगुलेशन है उसके वो जो ऑर्डर है उसके मुताबिक एफआईयूपी जाएगा, 3 इयर्स पाठ्यक्रम और बीटेक आएगा अभी, और इसके बाद भी हमारी आगे की लड़ाई जारी रहेगी। वो जिन बच्चों का 4 वर्षीय स्नातक में पाठ्यक्रम के तहत एडमिशन हुआ है उनके अगले 2 साल में कैसे किया जाए उस पर एकेडमिक कमेटी बनाकर एवीपी आगे अपना मूवमेंट जारी रखेगी। उन 2 बच्चों का जिनका एडमिशन हुआ है उनका कैरियर न बर्बाद हो इसके लिए हमारा मोमेंटम ही चलता रहेगा। आपने सुना चित्रा, इनमें से कई लोगों का ये कहना है, कि जिन्होंने पिछले साल ही 4 साल के एफआईयूपी प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया उनका 1 साल पूरा हो गया है, उनका क्या होगा अगर फिर से चीजें अमेंड की जाएंगी, संशोधन किए जाएंगे, तो उन्हें 3 साल में कोर्स पूरा करना होगा, वो 3 साल का जो कोर्स होगा उसमें ऑनर्स होगा या फिर नहीं होगा? आपको क्या लगता है कि जिन लोगों ने एडमिशन ले लिया था पहले ही उनका क्या होगा? जी मैं एक्चुअली 4 ईयर में हूँ और ये बिल्कुल पॉसिबल है कि 4 ईयर को 3 ईयर में कन्वर्ट किया जा सकता है। ऐसे ये जो नॉन ऑनर्स के पेपर है, एक तस्वीर, हाँ आपसे बात करता हूँ, एक तस्वीर मैं और दिखाऊंगा। देखिए ये आज फैकल्टी का मेन गेट है जहाँ पर एबीवीपी के प्रदर्शनकारी चढ़े हैं, एनएफयूआई के प्रदर्शनकारी चढ़े हैं, यहाँ पर भी झंडे लहरा रहे हैं। इन 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 झंडों के साथ ही साथ नीचे एक पोस्टर भी लगा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है हमारा संघर्ष जिंदाबाद, डीयूवीसी मुर्दाबाद, डीयूवीसी गो बैक, साइमन गो बैक से इन्होंने ये नारा लिया है। कई लोगों से मेरी बात हो रही थी और अनमोल अभी थोड़ी देर पहले, हाँ एक मिनट रखिए आप, अनमोल अभी थोड़ी देर पहले ये बात हो रही थी कि जो नेशनल पॉलिसी है 10+2+3 की, जो नेशनल पॉलिसी है, जो नया वीसी आएगा क्या इस बात की गारंटी है कि वो पॉलिसी लागू करे, क्या इस बात की गारंटी है कि डीयू एक्ट फॉलो करे, क्या इस बात की गारंटी है कि यूजीसी एक्ट फॉलो करे? और सबसे बड़ा सवाल यह है, यूजीसी भी पिछले लगभग 1.5-2 साल से चुप क्यों था? सिर्फ दिनेश सिंह का इस्तीफा ही जवाब नहीं होना चाहिए? एग्जैक्टली सही बात है, दिनेश सिंह का इस्तीफा जवाब नहीं होना चाहिए, पर दिनेश सिंह का जो इस्तीफा है वो पिछले 1.5 साल से हमारा जो आंदोलन है उसकी एक बड़ी जीत है। उस आंदोलन के दबाव के चलते दिनेश सिंह ने इस्तीफा दिया। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो मैं यहाँ कह देना चाहता हूँ कि अभी तुरंत हम यूजीसी की बैठक हो, एमएचआरडी प्रेशर करे और जो यूजीसी की रिकमेंडेशन है एकेडमिक काउंसिल में उसमें पास कराया जाए और 3 ईयर के रिन्यूअल सिस्टम के। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि एकेडमिक काउंसिल में, एक बार हटिए आप, अगर एकेडमिक काउंसिल में पास कराने के लिए फिर से जाते हैं चित्रा, उसमें कितना वक्त लगता है, कट ऑफ लिस्ट आने में कितना वक्त लगता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। यहाँ एसएफआई के भी, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के भी लोग मौजूद हैं। एसएफआई के हैं आप, 4 साल वाले प्रोग्राम में आपने एडमिशन लिया हुआ है, आगे आइए आप। अब मुझे ये बताइए आगे कि आगे के प्रोसीजर में कितना वक्त लग सकता है? भैया पता नहीं, शायद 1 वीक में कर देना चाहिए क्योंकि एडमिशन शुरू होने वाले हैं, इसलिए कम से कम 1 वीक में ना कर देना चाहिए। देखिए चित्रा, एक बात तो है कि इस प्रेस्टीज इशू में साक की लड़ाई यूजीसी ने भी बनाई थी, साक की लड़ाई डीयू ने भी बनाई थी, वो स्मृति ईरानी, बीजेपी ने जो अपने चुनावी घोषणा पत्र में पोल प्रॉमिस में ये कह दिया था नहीं 4 से 3 साल का प्रोग्राम कर देंगे, वो भी बगले छाकती हुई नजर आई थी, उन्होंने भी कर्तव्य की तिष्ठी कर ली ये कहकर के कि ऑटोनॉमी में मैं किसी तरह को कोई दखल नहीं देती। सवाल बहुत बड़ा ये है अब कि जिन बच्चों का वक्त खराब हुआ है उनका क्या होगा, जिन्होंने 4 साल में एडमिशन ले लिया उनका क्या होगा, कट ऑफ लिस्ट जो आने वाली थी वो अब कब तक आएगी, अगर अमेंडमेंट होगा तो कब तक होगा यूजीसी और डीयू? यहां एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, कई लोगों ने मुझे दिखाया, ये देखिए आप, ये डीयू का नक्शा है, इस डीयू के नक्शे के जरिए ये बताने की कोशिश की गई कि हां दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो कैंपस है यहां पर कहां कहां से लोग आते हैं, लेकिन इस कैंपस ने पिछले दिन एक बड़ा आंदोलन देखा। हालांकि इसे एबीवीपी, एक तरफ एबीवीपी वाले हैं, सुनील से मैं कहूंगा अपने कैमरा पर्सन से घुमा करके दिखाए, एक तरफ एबीवीपी वाले हैं, दूसरी तरफ जो है एनएसयूआई के लोग हैं, बीच में आईसा के लोग भी हैं, एसएफआई के लोग भी हैं, हर कोई अपनी अपने तरीके से इनकैश करने की कोशिश कर रहा है, और जो भी इनकैश करने की कोशिश कर रहा है हर कोई अपनी विक्ट्री के तौर पर देख रहा है, हर कोई अपनी जीत के तौर पर देख रहा है, हर किसी का यह कहना है कि हमारे आंदोलन की वजह से यह जीत हुई है, हर किसी का यह कहना है हमारे आंदोलन की वजह से डीयू के वीसी ने वाइस चांसलर ने इस्तीफा दिया है। लेकिन सवाल अभी भी कई है, सवाल कई ये है कि आखिरकार यूजीसी पिछले 1.5-2 सालों में चुपचाप क्यों बैठा रहा, जब एफआईयूपी प्रोग्राम लॉन्च किया गया उस वक्त भी एफआईयूपी के जो चेयरमैन, एक बात ये बताइए अनमोल, जिस वक्त एफआईयूपी का प्रोग्राम लॉन्च किया गया उस वक्त भी यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश थे, अभी भी वेद प्रकाश है, उन्हें सुध इतनी देर में क्यों आई? उस समय हमारे अंडर सेक्रेटरी मिनिस्टर कपिल सिब्बल थे। आप ये देख
चुके हैं कि आज वेद प्रसाद एफआईयूपी के खिलाफ बोल रहे हैं, वो साल भर के आंदोलन के कारण ही हुआ है। पर हमारे जो उस समय एमएचआरडी मिनिस्टर कपिल सिब्बल या पल्लम राजू हो, वो वही लोग हैं जो एफआईयूपी को लेकर आए। दिल्ली के छात्रों के साथ किस किस ने धोखा किया? सबने भी वाइस चांसलर एक बार भी अभी तक मिलने नहीं आए, तो उनका इस्तीफा देना तो बनता था आज तक स्टूडेंट। क्या वाइस चांसलर के इस्तीफे के बाद ये लड़ाई खत्म? हाँ बिल्कुल खत्म है, ये छात्रों की जीत हुई है इसमें। आप भी कहते हैं कि वाइस चांसलर के इस्तीफे के बाद ये बात छोड़िएगा, आप भी ये कहते हैं कि वाइस चांसलर के इस्तीफे के बाद ये लड़ाई खत्म? लड़ाई तो खत्म नहीं हुई जब तक कोई पीछे हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा कि 3 ईयर या 4 ईयर का प्रोग्राम जब तक नहीं आएगा तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सारे बच्चे वेट कर रहे हैं, सारे बच्चे इस वो 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हैं। डूटा के भी एक्स प्रेसिडेंट है सर, डूटा के एक्स प्रेसिडेंट है मेरे साथ में, आपका नाम सर? अमरदेव शर्मा डूटा के एक्स प्रेसिडेंट है। इनसे हम समझते हैं कि अब एफआईयूपी प्रोग्राम अगर कैंसिल होगा, अगर उसे रोल बैक किया जाएगा, किस फॉर्म में रोल बैक किया जाएगा, कितना वक्त लगेगा कट ऑफ हमें आने में और कितना समय लग सकता है? ये मैं शुभकामना करता हूँ, आशा करता हूँ कि बहुत जल्द, मैं तो कहता हूँ कल और परसों शुरू कर दो आप इसको। और हमने दिल्ली विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की लड़ाई 50 साल से लड़ी है, मुझे 43 साल हो गए इस दिल्ली विश्वविद्यालय के अंदर। डूटा का एक्टिविस्ट रहा, 2 बार प्रेसिडेंट रहा, हम लोगों ने हमेशा स्वायत्तता की लड़ाई लड़ी। दिनेश सिंह के आने के बाद 4 साल से इस विश्वविद्यालय का वातावरण ऐसा बंद क्यों गया? क्योंकि इसने जमहूरियत के खिलाफ, जनवाद के खिलाफ यहाँ तक किया। दिनेश सिंह का इस जिद के पीछे हित क्या था? दिनेश सिंह का हित से पहले सरकार की योजना देखिए आप, कपिल सिब्बल और उसकी सरकार की योजना क्या थी? दिनेश सिंह को क्या किसी की सरपरस्ती मिल रही थी? सरपरस्ती से बड़ी बात थी कि हिंदुस्तान की गई गुजरी हुई सरकार पूंजीवाद की पक्षधर है। एबीवीपी का ये कहना है कि दिनेश सिंह को जेल जाना चाहिए। मैं कहता हूं कि इंक्वायरी तो होनी ही है। कैसे इंक्वायरी? इंक्वायरी वाइस चांसलर ने जो जो गलतियां की हैं, जो जो गड़बड़ियां की हैं, जिस तरह से ओबीसी के पैसे का डायवर्जन हुआ है, इसका मतलब ये कि पैसे की अनियमितता भी हुई है। मैं कह रहा हूँ हुई है या नहीं हुई है उसका तरीका तो इंक्वायरी है ना, उन सारे के सारी चीजों को लेकर के। वीसी अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते ना सर। वीसी ये वीसी की यही तो सबसे बड़ी ताकत रही और यही तो सबसे बड़ी तानाशाही रही इसकी। नहीं, मैकेनिज्म में तो वीसी भी होता है, रजिस्ट्रार भी होता है, सब रजिस्ट्रार भी होता है, डूटा भी होता है, मैकेनिज्म में तो हर कोई होता है ना सर। मैकेनिज्म में अकेले दिनेश सिंह के अलावा दिनेश सिंह और दिनेश सिंह न शिक्षक था न छात्र था, आप देख लीजिए। अब मुझे ये बताइए कि कट ऑफ आने में कितनी देर लग सकती है? कट ऑफ बहुत जल्दी आएगा और कट ऑफ में 3 इयर्स के कोर्सेज को किस तरह से चेंज करके लाया जाएगा उसमें निश्चित रूप से बेहतर तरीके अपनाए जाएंगे और डीयू और यूजीसी मिलकर के उसे तय करेगी, उसमें शिक्षकों की हिस्सेदारी भी होगी। अब वो काम नहीं होगा कभी भी जो दिनेश सिंह के जमाने में हुआ था। चलिए, यहाँ पर कुछ और भी बातें खुल करके सामने आ रही हैं। लोगों का ये भी कहना है चित्रा कि दिनेश सिंह का जाना भर ही काफी नहीं है, जांच होनी चाहिए। ओबीसी के पैसे, ओबीसी कोटे का जो पैसा है उसकी अनियमितता की भी बात है। दूसरी बात यह है कि दिनेश सिंह आखिरकार अपनी बात पर डटे क्यों रहे, जिद पर अड़े क्यों रहे, क्यों नहीं उन्होंने एफआईयूपी प्रोग्राम रोल बैक कर लिया बजाय इसके कि इस्तीफा देने के? ये सबसे बड़ा सवाल है। किसका हित देख रहे थे वीसी साहब? और सबसे बड़ी बात यह है कि यूजीसी के चेयरमैन वेद प्रकाश तब भी हुआ करते थे साल भर पहले, आज भी हैं, लेकिन यूजीसी को सुध इतनी देर के बाद क्यों आई? और हां, स्मृति ईरानी एचआरडी मिनिस्ट्री संभालती हैं, वो जवाब देने से पीछे नहीं हट सकती। चित्रा, बिल्कुल सही आपने कहा कि जवाब देने से पीछे नहीं हट सकती। हालांकि पहले 3 साल के कोर्स की बात उनकी ओर से खुद कही गई थी, लेकिन बाद में उन्होंने इस पूरे मामले पर चुप्पी साधी और आज ही एक पत्रकार के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि मुझे इस विषय पर बोलने का अधिकार नहीं है। क्या है डीयू में एडमिशन का विवाद, वो भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। पिछले साल ही 4 साल का कोर्स लागू किया गया है, यूजीसी 3 साल के ग्रेजुएशन कोर्स के पक्ष में है। विवाद के चलते एडमिशन पर रोक लग गई और इसी की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना भी करना पड़ रहा है। 4 साल के ग्रेजुएशन कोर्स को लेकर विवाद, डीयू के वीसी जिन्होंने इस्तीफा दे दिया है दिनेश सिंह, वो 4 साल के पक्ष में थे, जबकि यूजीसी की ओर से साफ साफ कह दिया गया कि दरअसल यूजीसी ने कहा कि सिर्फ 3 साल का ही ग्रेजुएशन कोर्स होना चाहिए। डूटा के पूर्व प्रेसिडेंट आदित्यनाथ मिश्रा की ओर से क्या कुछ कहा गया है वो सुन लेते हैं। के द्वारा ये यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी के ऊपर सबसे बड़ा प्रहार है और खाली दिल्ली विश्वविद्यालय के ऊपर यह हमला नहीं है बल्कि तमाम यूनिवर्सिटी सिस्टम के ऊपर यह हमला है। और ये चाहते हैं कि हमारा यहाँ का जो छात्र ऐसे असमंजस्य का स्थिति पैदा कर दे। दे आर ट्राइंग टू क्रिएट ए सिचुएशन इन विच एवरीबडी विल रन टुवर्ड्स द प्राइवेट यूनिवर्सिटी, दिस इज द अल्टीमेट डिजाइन।
and perhaps they are going ahead with this design. This is unfortunate, and at least I will tell you, the Vice Chancellor has not cowed down under their pressure. He has not said that I will accept your diktat. Rather, he has stated that I am resigned, but I will defend the university's autonomy. This is a very good step. लेकिन जो छात्र संगठन है या फिर जो दूसरे छात्रों की बात है, they're politically जो FYUP को डिफेंड कर रहे हैं कि ये नहीं होना चाहिए, उनका ये कहना है कि कहीं ना कहीं ये एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। सर ऐसा है, मैं आपको यूजीसी की गाइडलाइन मानना एक मिनट बता दूं। हियर इज द मिनिस्ट्री ऑफ HRD's एफिडेविट देर इन द कोर्ट डेटेड 23rd July 2013। काइंडली गो थ्रू इट, वी आर ऑल एनलाइटेड पीपल। What the MHRD is saying, that everything is in order, that this such a course is and everything is in order, and such type of courses are in practice in certain other universities also. इस पूरे मामले में अलग अलग प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन बड़ी खबर इस वक्त यही है कि DU के वाइस चांसलर दिनेश सिंह ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और इस वक्त हमने देखा किस तरह से तमाम छात्रों की ओर से इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। एक बार फिर से राशिद का हम रुख कर लेते हैं, वहां पर कुछ हो रहा है। राशिद, हाँ, डूटा के प्रेसिडेंट इस वक्त आई हुई है यहाँ पर, डूटा के प्रेसिडेंट है, वो कुछ कह रही हैं। जिंदाबाद, 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 आजादी का दिन है हमारे लिए। यूनिवर्सिटी में 4 साल से एक जंग चल रहा था, हम लोग जिंदाबाद, जिंदाबाद, लखपत हो गए थे। मैम, यूपी में जॉर्ज यूनिवर्सिटी में दोबारा से एक दोबारा से यहाँ पे सांस लेने का मौका मिलेगा। जश्न का माहौल आपने देखा वहां पर इस वक्त चल रहा है। जैसे और प्रतिक्रियाएं मिलेंगी आगे पहुंचाएंगे, एक छोटे से ब्रेक का वक्त।